तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कहानी सुनाते हुए बोले, दो मित्र थे, वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है, मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिलाऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस समय उस नौजवान का मित्र भी वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं, अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिएगा। यह देखकर बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई भी व्यक्ति देखा नहीं था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया और उसके मित्र को जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान को भी चोट आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा। यह सोचकर उसका मित्र बहुत खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती है कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो। मित्र बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता है, तुम्हारी दी गई समय पूरी हो गई है, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है, तो यह फांसी मुझे ही लगने दो। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो, सजा तो मुझे मिली है। और इस बात पर दोनों लड़ने लगे। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। और उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हुए तथागत ने अपने शिष्यों को समझाया, यह मायने नहीं रखता है कि यह दोस्ती है या रिश्तेदारी, बल्कि मायने यह रखता है कि जब ये रिश्ते समाप्त होते हैं उस वक्त आपका दिल टूटता है या नहीं। एक दोस्त वही होता है जो आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता हो और फिर भी आपसे प्यार करता हो। कई लोग आपके जीवन के अंदर और बाहर चलेंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही आपके दिल में निशान छोड़ेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि गौतम बुद्ध की इन बातों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।